जब अपने परिवार से बाहर दूसरा कोई संबंध बना लेते हैं तो वहाँ प्रेम नहीं रहता, और जब प्रेम नहीं रहता तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब आपके अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्योंकि आपके मन में इस वक्त अपराध बोध है। वह गलती किसी को पता ना लग जाए, उस डर ने आपके मन की शांति को चुरा लिया है। अपने दिल को खोलकर बोलिए, हे प्रभु, अपने जूफे से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए। ऐसा जब बोलोगे तब परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध कर देंगे, हमें वो पवित्र कर देंगे, और जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। फिर से आप लोगों से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पाप के कारण पश्चाताप के बारे में देखेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उसे मानकर छोड़ देंगे उस पर दया की जाएगी, ऐसा पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलती ना की हो। गलती करना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस पाप से बाहर ना निकल पाना ही प्रभु को उदास करने का मुख्य कारण है। ओहो, तुमने पाप किया है, प्रभु को दुख दिया है, तुम पापी हो, ऐसे शैतान जो पाप का बोझ लेकर आता है उसे दूर फेंक कर पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आना ही परमेश्वर की इच्छा है। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर, ऐसे पवित्र बाइबल में लिखा है। जो अनैतिक संबंध के पाप में फंसे हैं, आज उस पाप को मानकर पश्चाताप करके उसे छोड़ दीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपको अपनी संतान बनाने के लिए सामर्थ्यशाली है। तो आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। अच्छी बच्ची बनकर रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? नहीं नहीं, मैंने तो तुमसे कहा था, फिर मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा बेटी, अब तुम घर जाओ। नहीं, अभी खाना नहीं खाया। कहाँ जा रहे हो आप? दीदी, मैं सुधा को बुलाने जा रहा हूँ। सुधा को बुलाने? पर देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, क्या उसे पैदल ही लेकर जाने वाले हो? दीदी, वो दरअसल... गणेश, जरा बैठिए। तो भाई, मुझे बताइए, आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? मैंने इससे पहले भी तो आपको एक बार समझाया था। और दीदी, आप किसके बारे में कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। क्या सच में आपके समझ में नहीं आया, या फिर? नहीं, समझ नहीं पाया दीदी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी के लिए, मतलब सुधा के लिए, आपको ही सपोर्ट बनकर रहना होगा। हाँ दीदी, पर देखिए तो आप क्या कर रहे हो। जब आपकी माँ आपकी बहन के साथ मिलकर आपकी पत्नी को तकलीफ पहुँचाती है, तब आपको ही उसका सपोर्ट बनकर रहना चाहिए। अच्छा, तो सिर्फ यही बात थी? कुछ तो जवाब दीजिए गणेश। वो घर का सारा काम खत्म करके सुबह ऑफिस चली जाती है, उसे कष्ट मत दीजिए, ऐसा तो आप बोल सकते हो ना? वो मेरी बातें कहाँ मानते दीदी, तुम्हें इतने कष्ट से पाला पोसा और आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जरूरी हो गई है, ऐसे बड़बड़ने लगती है वो। क्या सच में आपने कहा? मुझे तो नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा कहा होगा। दीदी, मुझे लगता है आप उसकी कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रही हो। क्योंकि आपका सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पत्नी से काम मत करवाइए, पर कम से कम उतना बोझ तो मत डालिए जो सहन से बाहर हो। मैं फिर एक बार आपसे कहती हूँ कि सुधा सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे आपके घर आई है, इस बात को भूलिए मत। आप ही उसके लिए आधार हो और आप ही उसके साथी हो। उसे बस एक नौकरानी के जैसे देखना गलत है ना? आप अपनी माँ से बात कीजिए, अपनी बहन से बात कीजिए। आपके परिवार में दखलंदाजी देने का उन्हें कोई भी हक नहीं है। ठीक है दीदी, मैं बात करूंगा। अब मैं जाकर सुधा को बुला लाता हूँ। धन्यवाद दीदी, मैं चलता हूँ। एक मिनट गणेश। क्या हुआ दीदी? मैं सिर्फ इसी बारे में बात करने नहीं आई हूँ, और भी एक जरूरी बात करनी थी। सिर्फ प्रेम ही परिवार की भलाई का आधार है, और वो प्रेम सिर्फ आपकी पत्नी के प्रति होना चाहिए। जब अपने परिवार से बाहर दूसरा कोई संबंध बना लेते हैं तो वहाँ पर प्रेम नहीं रहता, और जब प्रेम नहीं रहता तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब आपके अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्योंकि आपके मन में इस वक्त अपराध बोध है, और वो गलती किसी को पता ना लग जाए उस डर ने आपके मन की शांति को चुरा लिया है। शादी से पहले आपने किसी से प्रेम किया होगा, लेकिन आज आप एक स्त्री के पति बन चुके हो और वो लड़की किसी और की पत्नी बन चुकी है। अगर आप उसके साथ या फिर वो आपके साथ कोई संबंध बनाना चाहती है तो वो दोनों ही गलत है ना? आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बात करेगी तब आपका व्यवहार कैसा होगा? दरअसल मेरा ये बताना ठीक नहीं है, आपके जीवन में मेरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, पर कोई और रास्ता ही नहीं मिला। किसी भी हालत में ये बात बतानी ही थी। बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, विश्वास योग्य बने रहिए गणेश। उस महिला मित्र का नंबर ब्लॉक कर दीजिए, और अगर हो सके तो अपना नंबर बदल दीजिए, और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य बने रहिए। आपके ही घर जा रही हूँ, आपके माँ के कपड़े तैयार हो गए हैं, बस वही देने जा रही हूँ। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अभिलाषा ने मुझे अंधा कर दिया। मैं अभी जाकर मेरी पत्नी सुधा को घर ले जाता हूँ। चलता हूँ दीदी। आओ ज्योति, आओ बैठो। कैसी हो आप माजी? अच्छी हूँ ज्योति। ये लीजिए आपके कपड़े। तुम कैसी हो? मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। वो सब ठीक हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, बैठ जाइए। शायद तुम्हें सब पता ही चल गया होगा। मुझे तो वो भी पता है जो आप नहीं जानती। क्या कहा मेरी बहू ने? आपका अपनी बेटी पर जितना प्रेम है उसकी वजह से अपनी बेटी के बीच और अपनी बहू के बीच बर्ताव में पक्षपात करती है, पर उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। पर आपके इस बर्ताव की वजह से आपका बेटा अपनी गलत इच्छाओं को पूरी करने में लगा है। क्या कह रही हो ज्योति? हाँ माँ जी, आप दोनों के झगड़े की वजह से आपके बेटे ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। आपके बीच जो समस्या है उसकी वजह से आपकी बहू की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हो, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दे पाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। छे, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। गिरना कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर गिरने के बाद अगर उठने की कोशिश भी ना करो तो वो समस्या है। आप जितना अपनी बेटी से प्यार करती हो उसमें से सिर्फ थोड़ा सा प्यार अपनी बहू से भी कीजिए माँ जी। बाइबल में जब दाऊद ने गलती की थी तब गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे एक पवित्र हृदय दीजिए,
और इस समय तुम्हें भी उसी की जरूरत है। उनके जीवन में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, और ठीक उसी समय उनका जीवन बर्बाद होने के लिए आप एक कारण मत बनिए माँ जी। पहले तो आप अपनी गलती पर पश्चाताप कीजिए, वो भी आंसू बहाकर। क्षमा मांगिए, एक एहसास भरा मन प्रभु आपको दे, ऐसी मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सासू माँ। आइए दामाद जी, कैसे हो आप? आप तो ठीक हो ना सासू माँ? बस चल रहा है सब। मैं सुधा को ले जाने आया हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे दामाद जी, आप ऐसे मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? आप ले जाइए उसे। ले जाइए उसे, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। इनसे साफ साफ कह दीजिए माँ, मैं कहीं नहीं जा रही। तो दर्शकों, आपने आज का ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। गलत संबंध के कारण परिवार कितना प्रभावित होता है, इसके बारे में आज हमने देखा। और इसी तरह हो सकता है आपके परिवार में या आपके दोस्तों के परिवार में अनैतिक संबंध का कोई पाप हो, उस पाप को मानकर छोड़ देने के लिए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही इस पाप को बदल कर सच्ची खुशी देने के लिए सामर्थ्यशाली है। तो इस समय आपके आशीष के लिए बहन जॉयस लाजरस प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और आप भी आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन करती हूँ। और परमेश्वर, इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आप लोगों को आशीष दे। आज के इस दिन हमने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम देखा, मन में पश्चाताप, उसके बारे में एक बेहतरीन कार्यक्रम देखा। और कार्यक्रम को देखा उतना ही नहीं, हमें अपने जीवन में उसे लागू भी करना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 119 वचन 144, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर किसी एक रीति से हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे साथ बातें करके हमें एहसास दिलाते हैं। हम जो पाप करते हैं, परमेश्वर उसका हमें एहसास दिलाते हैं, तो हमें उसका एहसास होना चाहिए। और जब परमेश्वर हमें उस पाप का एहसास दिलाते हैं, उस समय हमें उसे पाप से पश्चाताप करना चाहिए। और जब हम पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष रखे हैं, उन आशीषों को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, जब हम दाऊद का जीवन देखते हैं, दाऊद पाप करते हैं, जब दाऊद अपने पाप में घिरे हुए होते हैं, तब परमेश्वर भविष्यवक्ता नातान को दाऊद के पास भेजते हैं, जहां पर परमेश्वर दाऊद के पापों को उजागर करते हैं और दाऊद को एहसास दिलाते हैं कि तुमने जो किया वो पाप था। और तब दाऊद को उसका एहसास होता है, और सिर्फ एहसास ही नहीं, भजन संहिता 51 में वहां पर दाऊद अपने पापों के कारण गिड़गिड़ाते हैं। जब भविष्यवक्ता नातान के द्वारा परमेश्वर दाऊद के पापों को उजागर करते हैं, तब दाऊद में अपराध का बोध आता है। तब वो परमेश्वर से कहते हैं, जिसे हम भजन संहिता 51 में देखते हैं, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मुझ में से ये अपराध बोध निकल जाने दीजिए, अपने जूफे से आप मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए। ऐसे दाऊद वहां पर विनती करते हैं। तो एक अपराध बोध होना जरूरी है। मेरे प्रियजनों, मैं एक बहन को जानती हूं, और एक बार जब हम एक सेवकाय करने के लिए हुए गए थे, हम एक घर में रुके हुए थे, और जहां पर हम लोग रुके हुए थे उस घर में एक बार जब हम लोग बैठकर कॉफी पी रहे थे, उस समय एक बहन अपनी गोद में एक बच्चे को रखे हुए लगातार रो रही थी।
उनकी गोद में एक बच्चा था और उनके सर से पांव तक उसे सहलाते हुए वो रोते हुए वहां पर बैठी हुई थी। मैं उन्हें देख रही थी और फिर मैंने उस बहन से जो वहां पर बैठी थी उनसे बात करना शुरू किया। आप क्यों रो रही हो? ये जो बच्चा है वो कौन है, किसका बच्चा है, ऐसा मैंने उनसे पूछा। और तब उस बहन ने उत्तर दिया कि मेरे पति एक बहुत बड़े लॉयर हैं और परमेश्वर ने हमें दो बच्चों का आशीष दिया है। अब वो दोनों बच्चे मेरे पति के पास हैं, मेरे साथ बच्चे नहीं रहते। मेरा ये बेटा अब छुट्टियों पर मेरे पास आया हुआ है और मेरी गोद में बैठकर रो रहा है कि मुझे अपनी माँ के पास रहना है। ये बस रोते जा रहा है। तो मैंने जब कारण पूछा तो उस बहन ने जवाब दिया कि मेरे जीवन में मैंने एक गलती कर दी, मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। मैंने अपने पति को छोड़ दिया और फिर मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पर मेरे पति ने आकर मुझसे कहा कि तुम बात को समझ नहीं रही हो, लेकिन बाद में बहुत पछताओगी, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती क्षमा करके मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। ऐसे मेरे पति ने मुझे समझाया, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने अपने दिल को बहुत कठोर बना लिया और उनके साथ नहीं गई। पर अब देखिए, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। एक पेपर में मुझसे दस्तखत करवा लिए थे उन्होंने। फिर मैं कई दिनों तक बहुत ही अकेलेपन में रही और फिर आखिरकार मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। आज तो मैं अपने भैया के साथ रहती हूँ। मेरे पति ने तो बहुत पहले ही मुझे तलाक दे दिया था, इसीलिए उनके साथ तो जाकर मैं फिर नहीं रह पाऊंगी, उनके साथ जीवन नहीं बिता पाऊंगी। मुझसे भूल हुई थी पर मैं वो उस वक्त जान नहीं पाई। मेरे पति ने मुझे समझाया था, उस समय तो मैंने मना कर दिया था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था पर मैं नहीं समझी। उस समय तो मेरे कान जैसे बहरे हो गए थे। उस बात को मैंने अपने मन में भी ग्रहण नहीं किया, मैं कठोर हो गई। उस समय अपने पति को मैंने साफ साफ मना कर दिया था। और अब देखिए, ये दोनों बच्चे अपने पिता के पास रहते हैं और ये बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ही दुखी है। ये अपने पिता के पास रहते हैं पर मुझे भी ढूंढ कर आ जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत रोता है और छोटा भी रोता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अभी मुझे एहसास होता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत है। अभी मुझे एहसास हो रहा है, अपने बच्चों का दुख देखकर मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। हमारा परिवार एक गैर मसीही परिवार है पर आज मैंने यीशु को जान लिया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। पर मैंने जो भी किया वो एक पाप है, इसके बारे में मुझे एहसास हुआ है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हुआ है उसे फिर से कैसे ठीक किया जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पति कहीं और हैं, मेरे बच्चे भी इसके कारण दुखी है। ये सोचकर वो बहन रो रही थी और तभी मैंने उस बहन को समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उस बहन को बुलाया और हम दोनों उनके पति जहाँ पर रहते थे उनके घर की ओर बस में बैठकर चले गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके पति से मिलना होगा और मैंने उस भाई से बात की कि आप इन्हें फिर से एक बार क्षमा कीजिए, इस बहन ने एक भूल की थी पर आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसे मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उस भाई से मैंने माफी मांगी। तब उस भाई ने मुझसे कहा कि बहन, आप तो क्षमा मांग रही हो पर क्या इसने कभी क्षमा मांगी? क्या इसके परिवार वालों ने क्षमा मांगी? किसी ने भी नहीं किया। हमें एक परिवार के रूप में मिलाने की इन्हें बिल्कुल इच्छा नहीं थी और इतने समय के बाद आप आई हो, ऐसा उन्होंने कहा। और ये कहकर वो भाई रोने लगे, जोर जोर से आंसू बहाते हुए। उस भाई ने कहा कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे बच्चे बहुत कष्ट झेल रहे हैं, मेरी बूढ़ी माँ कष्ट झेल रही है, आज यही हमारी हालत है। ऐसा कहते हुए भाई साहब रोए। तो मैंने उनसे कहा कि आप माफ कीजिए और अपनी पत्नी को अपना लीजिए, ऐसे मैंने उनसे कहा। उनके सामने मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रही थी। दरअसल मैंने उस बहन को पास के एक घर में रखकर ही उस भाई से मिलने गई थी। तब वो बहन भी दौड़कर आई और अपने पति के पैरों को जोरों से पकड़कर वो रोकर माफी मांगने लगी और बहुत रोई और वो माफी मांग रही थी। वो भाई साहब भी रो रहे थे, उनकी पत्नी भी रो रही थी। फिर उन भाई साहब ने कहा कि मैंने कितना समझाया था पर तुमने एक नहीं मानी, इस बात को वो याद दिला रहे थे। वो बहन सब शांत वहाँ पर खड़ी हुई थी। फिर उस भाई साहब ने हमसे कहा, आप लोग जाइए, मैं अपनी माँ से बात करके फैसला बताऊंगा।
और इतना कहकर फिर हम लोग वहां से लौट गए। फिर थोड़े दिन के बाद उस भाई ने फैसला किया कि फिर से वो लोग एक हो जाएं। आज वो परिवार एक है, उन दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अच्छी नौकरी पर है। परमेश्वर के लिए वो एक गवाही बने हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि उन्होंने जो किया वो गलती थी, वो एक पाप था, ऐसा एक अपराध बोध था। और उतना ही नहीं, जब उस अपराध बोध के बारे में परमेश्वर को बताकर उन्होंने प्रार्थना की, उस समय उनके जीवन को बांधने के लिए परमेश्वर सामर्थी थे। उनके जीवन के लिए जो आशीष रखे गए थे उसे फिर से उन्हें मिलने में प्रभु ने उनकी सहायता की। आज परमेश्वर की संतान बनकर एक बहुत ही खुशहाल परिवार के रूप में वो लोग परमेश्वर के लिए एक गवाही का जीवन जी रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को देखने वाले आप जो कोई भी क्यों ना हो, हो सकता है अपने पति से झगड़ा करके आप अलग से रहते हो, या अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करके अलग रहते हो, या आपका पूरा परिवार टूट गया, बच्चे कहीं और रहते हैं, पर आप जो कोई भी क्यों ना हो, मैं जो करता हूँ वही सही है, ऐसा मत कीजिए। पर जब अपनी गलती को आप मान लोगे, जब उसे स्वीकार करोगे, जब आप में अपराध बोध होगा, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्यशाली काम करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परमेश्वर से संभव नहीं हो पाए। यीशु के लिए हर एक कार्य संभव है, सारे कार्य उनके वचन से संभव है। हम जो कार्य करते हैं अगर वो गलत हो तो भी, जब हमारे अंदर अपराध बोध होता है, तब मन को कठोर ना करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपने हृदय को खोलकर जब आप बोलोगे कि हे परमेश्वर मुझे अपने जूफे से धोकर शुद्ध कीजिए, तब परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र कर देंगे, हमें शुद्ध कर देंगे। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उन आशीष को हम निश्चय ही हमारे जीवन में देख पाएंगे। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हे परमेश्वर मुझे समझ प्रदान कीजिए, मुझे समझ दे ताकि मैं जीवित रहूं। ऐसे जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु निश्चय ही आपको आशीष देंगे, हमारे परिवार को आशीष देंगे, हमारे बच्चों को आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। हे यीशु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर आप मुझे समझ दीजिए, ऐसी प्रार्थना करने वाले बच्चों को आप देखिए परमेश्वर। जब दाऊद ने पाप किया था, आपकी उपस्थिति में आकर वो गिड़गिड़ाए थे, मैंने पाप किया है परमेश्वर, मुझे पवित्र कीजिए, अपने जूफे से मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे धो दीजिए, ऐसे उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। हे प्रभु, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लोगों से आप बात कीजिए परमेश्वर, लोगों को उनके अपराध से बोध करवाइए, एक समझ वाला हृदय प्रदान कीजिए, हर एक लोगों को अपने पाप का एहसास हो जाए, दुष्ट शैतान किसी के भी हृदय को कठोर ना बना दे और आपके पवित्र वचन के विरोध में ना हो पाए, शैतान का सामर्थ्य नष्ट हो जाए, आपके लहू से हर एक लोग शुद्ध हो जाए। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे समझ प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक हृदय को आप धो दीजिए, अपने जूफे से उन्हें धोकर शुद्ध कीजिए, उन्हें पवित्र बना दीजिए प्रभु, आप आशीष प्रदान कीजिए, उन्हें आशीष से भर दीजिए। और प्रभु लोगों से आप किसी भी तरह से बात कीजिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए एक हृदय प्रदान कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, हर एक को अपने लहू से धोकर उन्हें पवित्र कर दीजिए, आप अपनी समझ से लोगों को भर दीजिए, आपकी एक गवाही बनाकर आप लोगों को खड़ा करें। और परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। बच्चों के जीवन को आप आशीष दीजिए प्रभु, बच्चों के जीवन को आशीष दीजिए। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करे, जिस परिवार में फूट पड़ी है वो परिवार फिर से एक हो जाए यीशु के नाम में। पति पत्नी जो अलग हो चुके हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए, जिस परिवार में विभाजन हुआ है उसे एक कीजिए, उनमें शांति भर दीजिए। हे शांति के राजकुमार, अलग हुए परिवारों में पवित्र आत्मा का कार्य हो जाए, आप अपना स्वर्ग दूत भेजिए, आप बात कीजिए प्रभु, हृदय आपकी ओर मुड़ जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विभाजित हुए परिवार फिर से एक हो जाए, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। सारी स्तुति आदर महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु, उद्धार करता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।
तो प्यारे दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष पाया है और जो भलाई आपको मिली है उसे हमें बताना मत भूलिए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक बिल्कुल तैयार हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-45-45. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.